यूपी की जो जुडिशियल न्यायिक कोर्ट है, उन्होंने ये उमेश पाल मर्डर केस में इनकी पूछताछ में ले जाने के लिए पहले से ही हमें एक वारंट है वो तामील किया था। उस वारंट के बिना पर आज यूपी पुलिस है वो अतीक अहमद को लेकर गई है। यहाँ पर सर अतिक को ले जाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया पूरी की गई, मेडिकल के लिए यही कि पड़े? वो ठीक से ट्रैवल कर सकता है, उसका बीपी नॉर्मल है, वो फिट फॉर ट्रैवल है, इस तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ है जो ज़रूरी होती है वो करने के बाद उसको भेजा गया। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से उत्तर प्रदेश ले जाया गया है। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से थोड़ी मिनटों पहले अतीक अहमद को यहां से सुरक्षा व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ले जाया गया है। खास तौर पे बात करें तो उमेश पाल हत्या केस में अतीक अहमद और उसके परिवार के सामने जिस तरह से एफआईआर दाखिल की गई थी, और बात करने में आए तो 2007 का जो अपहरण का केस था जिसमें आजीवन कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई थी, उसके लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल में वो आजीवन कैद की सजा काट रहा था, लेकिन प्रयागराज कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस यहां से अतीक अहमद को ले गई है। और बात करने में आए तो अभी वहां पे कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस उमेश पाल हत्या केस में अतीक अहमद की पूछताछ करेगी, और उस केस में अतीक अहमद का किस तरह से क्या रोल रहा है, ये सारी बातों पर पूछताछ में अनेक बड़ी बड़ी बातें खुलकर सामने आ सकती है। भावेश राजपूत, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। सतत 24 कलाक समाचार जो डाउनलोड करो ईटीवी भारत।